जय हिंद दोस्तों, जीसीएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम इस मॉडल को बनाना सीखेंगे। चलिए इसका ड्राइंग एंड डायमेंशन देख लेते हैं। इसको पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, या लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीडीएफ का, वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए इसको बनाने के प्रोसीजर को देखते हैं। पार्ट्स फाइल ओपन करके टॉप प्लेन पे स्केच करेंगे, यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल चूज करते हैं। इसको इसको ओरिजिन पे नहीं रखना है, ओरिजिन पे नहीं रख के अब स्मार्ट डायमेंशन देते हैं। ये डायमेंशन हमें 100 चाहिए और ये 50, ये 44 है और ये 25, और यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन हमें 38 गिवन है। और स्केप, ये पॉइंट सेलेक्ट करके और इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और इसको हॉरिजेंटल कर देंगे। ओके, ये स्केच फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। अब यहाँ पे दो सर्किल है, उसके लिए हम यहाँ से एक सेंटर लाइन और ओरिजिन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे एक सर्किल बना लेते हैं। स्मार्ट डायमेंशन ये हमें 10 गिवन है और ये हमें 10 गिवेन है और इसका डायमीटर 8 गिवेन है। ये स्केच फुल्ली डिफाइंड है। यहाँ पे मिरर एंटिटीज का यूज करेंगे, इस सर्किल को सेलेक्ट करेंगे, मिरर अबाउट दिस लाइन, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये देखिए ये बन के रेडी है। अब यहाँ पे हमें फिलेट देना है। फिलेट देने के लिए हम फिलेट में जाएंगे, 10 रेडियस का फिलेट देना है। इसको इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ये स्केच फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। अब इसको आ जाते हैं एक्सट्रूड करने के प्रोसीजर में। एक्सट्रूड करते हैं, ये अंदर वाला 15 mm एक्सट्रूड करना है, 15 mm। अगेन स्केच वन सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे क्लिक करेंगे और ये स्केच वन एक्सट्रूडेड बॉस बेस, सॉरी इसको डिलीट कर दें और इसको डिलीट कर दें। स्केच वन को सेलेक्ट करके एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे क्लिक करेंगे और ये कंटूर सेलेक्ट करेंगे, स्केच वन नहीं को डिलीट कर देंगे और ये सिर्फ अंदर वाला सेलेक्ट करेंगे, अंदर वाला सेलेक्ट करके और इसे हमें 70 mm तक एक्सट्रूड करना है, 70 mm। ओके, इस फेस को सेलेक्ट करके और यहाँ पे एक सर्किल का कटआउट करना है। ओके, स्मार्ट डायमेंशन ये हमें 20 गिवेन है और यहाँ से यहाँ तक हमें 40 गिवेन है, 14। एस्केप, इसके सेंटर को और ओरिजिन को ओरिजेंटल पोजीशन कर देंगे, फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा और एक्सट्रूडेड कट पे क्लिक करके और इसे कटआउट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें फिलेट देना है 10 रेडियस का, तो फिलेट में आएंगे, इस एज को सेलेक्ट करेंगे और साथ में इस एज को, तो ये यहाँ पे फिलेट हो जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करके स्केच यहाँ से कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, ये डायमेंशन हमें
फाइव गिवन है और ये भी फाइव गिवन है। इस एज से इसका 15 mm, ये स्केच हमारा फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। फीचर में आके एक्सट्रूडेड कट और ये थ्रू ऑल, ओके, ये सिंपल मॉडल बन के हमारा रेडी हो गया। अब चाहे तो इसको हम कुछ मटेरियल असाइन कर लेते हैं, मेटल स्टील ब्रस्ट स्टील, ओके, ये मॉडल बन के हमारा रेडी हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये ट्यूटोरियल आपको अच्छे से समझ में आएगा और कुछ सीखने को मिला होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद।